वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन जो है आपके बारे में सपने ले रहा है या आपके बारे में लगातार सोच रहा है, किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है या ड्रीम कर रहे हैं और उनकी किस तरीके। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वांड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस स्पाइसेस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, ओके। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है आपके मन में किसी न किसी तरीके की दुविधा है या डर है। अब डर जो है वो रिलेशनशिप में जाने से हो सकती है या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। डेथ को जो है वो लोग अलग तरीके से देखते हैं, बट मैं हमेशा एक चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को की तरीके से देखती हूँ कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है और आपको उस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए। जो आपकी थिंकिंग पैटर्न है उससे जो है बाहर निकलना चाहिए। एक पैटर्न में आप सोचते हो कि नेगेटिव है, उस चीज़ को हील करना है और फिर जो है आप अपनी लाइफ में सेट हो। यहाँ पे अगर ड्रीमिंग की बात करी जाए, टॉपिक की बात करी जाए, तो यहाँ पे जो है आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, जो भी जेंडर हो, उसका सिबलिंग जो है या उसका कज़न जो है वो आपको पसंद करता है। साफ बात है, यहाँ पे आप इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन ने आपको जो है कभी ना कभी कहा भी होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि वो आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जो है वो शादी या इस तरीके की चीज़ वो सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक वो स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, वो अगर सही हैं, हेल्दी हैं, तो पेड़ जो है वो फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। वही चीज़ वो अपनी फैमिली के लिए भी चाहते हैं, तो वो जो है आपको अपने फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी इंट्यूशन जो है वो ये कहती है कि पता नहीं सही होगा, मतलब ओवर थिंकिंग कि पता नहीं सही होगा या गलत होगा। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, हाई प्रिस्टेस आया, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। किसी के बारे में सोचकर गलत धारणा बनाना भी गलत है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही जो आपके दोस्त हैं, मतलब ठीक है, और वो उनके भाई बहन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, या कज़न भी हो सकते हैं, तो वो जो है आपके बारे में ये सब चीज़ें सोचते हैं। वो महसूस करते हैं आपके आसपास खुशी, वो जो है उनके मन में पैशनेट तरीके के थॉट्स आते हैं, उनके सपने में भी आप आते हो और पैशनेट तरीके के सपने आते हैं, बाकी आप समझदार हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, ये अपॉर्चुनिटी की तरीके से या एक नए पर्सन की तरीके से आ रहे हैं। आप अपने पास्ट को या फिर आपने जो नेगेटिव पैटर्न बना रखा है कि आप में जो है कोई कमी है, आपका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस चीज़ को आप मतलब दिमाग में घुमाते रहोगे कि नहीं मुझ में कुछ कमी है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आप उस चीज़ को हील कर रहे हैं कि 100 लोगों ने कुछ बोल दिया और आपने जो है ये मान के बैठ गए कि हाँ मुझ में ही कुछ कमी है, तो ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वांड्स है, आप अपनी पावर में आ रहे हो। ये पर्सन जो है जो आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आपके दोस्त के कज़न या भाई बहन, तो वो जो है आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं। बैलेंस ये पर्सन है, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है और उसी तरीके से वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी आपका साथ देना चाहते हैं, हवाई बातें या हवाई किला नहीं बनाना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और इस पर्सन की फीलिंग्स हम मैसेजेस में भी देखेंगे। ये पर्सन आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज्ड है आपकी तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नदर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मैजिक है, यहाँ पे अपने मैजिक में बिलीव करो कि क्या सही है क्या गलत है और सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। जो आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो वो ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर।
कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये सब जो ड्रीम वो ले रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, वो अपने मतलब बिल्कुल करीब इस चीज़ को रख रहे हैं और वो कहना चाहते हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं और वो सब चीज़ें जो है वो न्यू बन रही हैं। तो आप दोनों ही जो है वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ, या ये कह सकते हैं कि न्यू शुरुआत या चैप्टर ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, ये आया है और नेक्स्ट आइए, ये पर्सन आपके तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं और आपके साथ यूनियन में आने की इच्छा रखते हैं। तो पहला आ रहा है सेक्रेड यूनियन ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप और इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, एम्ब्रेस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके साथ जो है वो अपनी लाइफ को या अपने ड्रीम्स को पैशनेटली जीना चाहते हैं और आपके साथ खुश रहने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे उनके लिए। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस, लिव इन अ हार्मनी। तो हार्मनी में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए I like being seen with you। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपके साथ जो है खुशी से देखना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं लोगों को और बताना चाहते हैं कि आप उनके स्पाउस हो या इस तरीके से। Vibrate at highest frequency possible। और लास्ट आ रहा है उनके तरफ से आपके लिए Your sexy body has made me drooling। तो काफ़ी passionate तरीके के thoughts उनके मन में आपके लिए आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ charms। तो यहाँ पे पैशनेट तरीके के थॉट्स वो रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्लेजर भी देते होंगे, बाकी आप समझदार हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया, तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव आया, तो लव है यहाँ पे, रोमांस है और यहाँ पे बेबी क्रिएट करने की स्पून है, बेबी क्रिएट करने की भी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। ना तुम जानो ना हम, लकी अली ने गाया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए उडारिया, सतेंद्र सरताज ने गाया, पंजाबी सॉन्ग है, अच्छा गाना है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इश्क मुबारक, अरिजीत सिंह ने गाया है, तो देख लेना कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो आपका डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आर 8 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आर टावर, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आर 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आर क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्गो की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वर्गो की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना, आपके ड्रेड ड्रीमिंग वो कर रहे हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप टूटा है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं या डिवोर्स भी हो सकता है, या अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फ्रेंड सर्कल में भी जो है आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। हालाँकि ज़्यादातर केसेस में जो है ये आपके एक्स पार्टनर हैं, क्योंकि आपने जो है इस पर्सन की तरफ रोमांटिक जेस्चर को बढ़ावा दिया, या ये कह सकते हैं कि आपने इस पर्सन की केयर करी, उसके बावजूद इस पर्सन ने जो है आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया, या एक एरोगेंस दिखाई या ईगो दिखाई, जिसकी वजह से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी सी हो गई है, आपने अपने पाँव पीछे खींच लिए। जैसे कहा जाता है ना कि एक स्टेप आगे आप रखो, एक स्टेप सामने वाला रखेगा, तो दोनों की जो है जुगलबंदी चल सकती है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि इस पर्सन ने कोई ऐसा दिखाया ही नहीं, या कभी कोई एफर्ट्स लगाने की कोशिश ही नहीं करी कि मुझे कोई फ़र्क भी पड़ता है। तो जब केयर नहीं है तो सामने वाला हट ही जाएगा। ये चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ होगा, रिलेशनशिप टूटा होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आया है। यहाँ पे ये चीज़ें इसकी वजह से जो है आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा पेन आया, और ऐसा नहीं है कि उस पर्सन के पेन नहीं आया, रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये वही वाली बात है कि जब समय निकल जाए उसके बाद रियलाइजेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये वो एनर्जी है। आपने महसूस किया कि आपने जो है इस पर्सन की तरफ केयर करी, तो
इस पर्सन ने जो है आपको फिजिकली जो है वो यूज़ करने की कोशिश करी, या फिर वो सिर्फ टाइम पास चाहता था या चाहती थी। तो ऐसी एनर्जी है, इस पर्सन ने कोई एफर्ट्स लगाए ही नहीं, कि मतलब जैसे रिप्रेजेंटेशन भी है एट ऑफ कॉइंस में, कि वो इंसान वो लड़की काम करे जा रही है लेकिन रोए जा रही है क्योंकि कांटों से वो काम कर रही है। तो वो वाली चीज़ है कि एफ़र्ट्स तो लगा रहे हो थे आप, और आपने बहुत एफ़र्ट्स भी लगाए रिलेशनशिप में, अपने तन मन धन सब कुछ करा, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सामने वाला जो कर रहा है वो थक जाएगा और वो पीछे हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है। हालांकि आपके मन में इस पर्सन की हमेशा केयर थी और अभी भी है, और ये पर्सन भी करते हैं, लेकिन एक्शंस की वजह से इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिए सही समय पर, और जिसकी वजह से आप दोनों में बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया है। ये पर्सन ड्रीम कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो सही हो जाए, और वो अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके इमोशंस की उन्होंने कदर नहीं करी, और अब जो है उन्हें एक पनिशमेंट मिल रही है कि वो आपसे काफ़ी दूर हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने इमेच्योर तरीके से जो है आपके सामने बिहेवियर किया, और सारी सिचुएशन जो है वो इस तरीके से बिखर गई, या सब कुछ जो है वो उन्होंने ख़राब किया, जिसका दोषी वो अपने आप को ही मानते हैं, और उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि आपकी कीमत जो है वो उनको बाद में ही ज़्यादा पता चली है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आया ट्री विजडम। द ट्री ड्रायड विल हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। हर फ्रूट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड इट मेक। तो यहाँ पे ट्री विजडम है, विजडम को यूज़ करने की इच्छा है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट अपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जो बिलीव करोगे वही जो है आपको दिखेगा, और आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। अब ये वाला जो ग्रुप है वो थोड़ा छोटा ही बना है, ज़बरदस्ती छोटा नहीं बनाया गया। कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा है नहीं। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, शायद मैंने किसी और रीडिंग में भी कभी ना कभी बोला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कार्ड्स आ जाते हैं और उसमें जो है सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, तो उसको जो है बढ़ा चढ़ा कर बोलने का कोई मतलब होता नहीं है। अपनी तरफ से मैं एनर्जीज़ को जो है वो नहीं यहाँ पे डालती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ समझाना है, एक्सप्लेन करना, और जो जो आया है सच सच वो आपको बता देना है, इतना ही काम है मेरा, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे मत लिया करो कि आपने क्यों छोटा बनाया, या टाइम देख के या स्टॉप वॉच रख के कोई भी नहीं बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके लिए जो है वो मैसेज इसमें आया है, और नेक्स्ट ये आया है यहाँ पे, वो जो है हारमनी चाहते हैं, लेकिन आपकी जो शाइन है, आपके जो इनोसेंस थी, प्यार था, उसको वो मिस करते हैं। चलिए देखते क्या आ रहा है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे जो है ये सब होने के बावजूद जो है एक ब्लेसिंग जो है आपकी लाइफ में आ रही है, और ये पर्सन आपसे कहना चाहता है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप रिकनसाइल करने की इच्छा रखते हो। तो नेक्स्ट आ रहा है उनकी तरफ से मैसेज है, There's never a moment I am not yearning for you. Next आ रहा है, You are so beautiful in my eyes, I am still attracted to you. I am trying to be someone you can trust. Next आ रहा है, I was wrong. वो गलत थे, उनको पता है ये चीज़। Next आ रहा है, I miss our conversation and sound of your voice. Next आ रहा है आपके लिए, You broke my heart when you left. We will find each other one day. और last आ रहा है, I am dreaming you into reality. तो hallucination भी कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं रियलिटी में आपको, और हो सकता है अगर ये अल्कोहल या उस तरीके का सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे है, तो वो आपको हेलुसिनेट भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे इस पर्सन के मन में लव है, लेकिन रियलाइजेशन काफ़ी देर से हुआ है, और यहाँ पे स्टारफिश आई है, हीलिंग चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिकंसल्ट करने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। तो आपके लिए आ रहा है दिल बेकरार है सरित दत्ता का, देख लेना कौन सा गाना है, मुझे नहीं पता ये कौन सा गाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल को तुमसे प्यार हुआ, आई थिंक जिसमें माधवन थे, आर माधवन थे, वो वाली फिल्म है, रहना है फिर तेरे दिल में, ऐसा कुछ है, तो इस तरीके का गाना है। और एक और देख लेते हैं आपके लिए,
किस से, बारिश ऐश किंग का है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।